हेलो एवरीवन, आई एम ऋचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम करेंगे एक तो चेंज इन वर्ड्स और एक हम करेंगे एक्सरसाइज टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज इन वर्ड्स यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब डायरेक्ट स्पीच से आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होते हो, तो इन्हें भी चेंज करना होता है। दिस को दैट में चेंज करना होता है, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, हैंस को देंस में, नाउ को देन में, टूडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द डे बिफोर में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या फिर आप द नाइट बिफोर, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। दस को सो में, एगो को बिफोर में, डे बिफोर यस्टरडे को द डे बिफोर द प्रीवियस डे में, जस्ट को देन में, डे आफ्टर टुमारो को द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये वर्ड्स को आपको चेंज करना होता है। तो आप चलिए, और ये आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है, तभी आप चेंज कर पाओगे। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज टू की तरफ। तो अब करते हैं एक्सरसाइज टू। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें चेंज करना है। फर्स्ट है ही सैड आई एम फीलिंग आउट ऑफ शॉर्ट्स टूडे। तो ही सैड का सैड कॉमा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसलिए ही से चेंज होगा तो ही लिख दिया। या आपका पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा तो हमने ही के साथ वॉज, फीलिंग आउट ऑफ शॉर्ट्स टूडे को अभी मैंने बताया था टूडे को दैट डे में चेंज करना है। ठीक है, सेकेंड है आई सेड टू हिम अनइजी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन। तो आई का आई, सेड टू का टोल्ड, हिम का हिम, कॉमा की जगह दैट, ये आपकी प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब यानी कि कहावत। ठीक है, इस कहावत का क्या मीन्स है कि व्याकुल है वह सिर जो ताज पहनता है। जैसे कि एक राजा होता है, राजा के ऊपर अपनी प्रजा की मतलब अपने क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी होती है, तो वो क्या हो जाता है, व्याकुल, यानी कि उसे नींद भी नहीं आती। तो ये बात सत्य है कि जिसके ऊपर ताज होता है यानी कि किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी, तो वो व्याकुल हो जाता है। तो वही एक कहावत है। तो जब प्रोवर्ब होती है आपकी, तो प्रोवर्ब को इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करा जाता। तो सेम रहेगा ये अनइजी लाइज द हेड द वियर्स द क्राउन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड। यू सेड टू मी आई शैल नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो यू का यू, सेड टू का टोल्ड में चेंज, मी का मी, कॉमा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यू से चेंज होगा तो यू, शैल को शुड में चेंज करते हैं लेकिन यू के साथ हम शुड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि शुड आई और वी के साथ ही कर सकते हैं, इसलिए यू के साथ वुड का यूज करेंगे। वुड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन दिस का दैट हो जाएगा, ईयर का ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है दे सैड वी शैल नॉट प्ले द मैच टुमारो। तो दे का दे, सैड का सैड, फिर दैट का यूज, वी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दे से चेंज होगा, दे आ गया। सेम इसमें भी यही है, शैल का यूज, शुड का यूज हम नहीं कर सकते दे के साथ, इसलिए वुड का करा है। वुड नॉट प्ले द मैच टुमारो को चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट है फिफ्थ, ही सैड दिस इज द प्ले दैट दीज पीपल वॉन्ट टू स्टेज हेयर टू नाइट। तो ही का ही, सैड का सैड, दैट का यूज, दिस को हम चेंज कर देते हैं दैट में। ये आपका सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि इज लग रहा है तो इसके जगह हम वॉज का यूज कर देंगे। द प्ले, दैट का दैट, दीज को चेंज करना है दोज में, पीपल ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वांट की जगह वांटेड हो जाएगा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। टू स्टेज, हेयर का देयर हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट। ठीक है, समझ आ रहा होगा आई होप। नेक्स्ट करते हैं सी, सेड टू मी आई शैल इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू द फीस्ट नेक्स्ट वीक। तो सी का सी, सेट टू का टोल में चेंज कर देंगे, मी, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसलिए शी से चेंज होगा तो शी, शी, शैल को शुड में चेंज करते हैं लेकिन शुड शी के साथ नहीं आ सकता इसलिए वुड, इनवाइट। उसने कहा है कि शी सेट टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं अगले सप्ताह तुम्हें सबको, ऑल ऑफ यू यानी कि तुम सभी को खाने पर बुलाऊंगी। तो इनवाइट ऑल ऑफ, अब यहाँ आता है यू, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी से चेंज होगा तो मी आएगा, लेकिन ऑल ऑफ मी कुछ नहीं होता है इसलिए ऑल ऑफ मी का मतलब है मुझ सभी को, मुझ सभी को कुछ नहीं होता है, हम सभी को, हम सभी को खाने पे बुलाएगा, इस बुलाएगी, इसलिए ऑल ऑफ अस का यूज़ करेंगे।
टू द फीस्ट नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द नाइटिंगेल, यू आर एक्सपेक्टेड एट द कोर्ट टूडे। द प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर सेड टू का टोल्ड द नाइटिंगेल दैट यू आपका सेकेंड पर्सन है तो नाइटिंगेल से चेंज होगा तो शी आ गया। यह आपका पैसिव में बना हुआ है इसलिए सी के साथ आर की जगह वॉज का यूज होगा और एक्सपेक्टेड एट द कोर्ट टूडे का दैट डे में चेंज। ठीक है, नेक्स्ट। आई सेड टू हिम योर ब्रदर अब्यूज्ड मी हेयर यस्टरडे। तो आई का आई सेड टू का टोल्ड हिम दैट योर ब्रदर को चेंज करेंगे योर को किससे हिम से तो आ जाएगा हिज ब्रदर। सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हैड अब्यूज्ड मी का मी रहेगा, हेयर का क्या हो जाएगा देयर, यस्टरडे का द डे बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट। सी सेड फादर विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ। तो सी का सी सेड का सेड दैट फादर का फादर विल का बुड हो जाएगा हैव रीच्ड होम बाय नाउ को चेंज करते हैं देन में। लास्ट है आपका ये राम सेड इट रेन्ड इन टॉरेंट्स लास्ट नाइट। तो राम का राम सेड का सेड दैट इट का इट क्योंकि इट थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो इट का इट सिंपल पास्ट है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हैड रेन्ड इन टॉरेंट्स लास्ट नाइट का चेंज हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है और आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।